बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले पर पटना हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार जाने वाली है। इसको लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे। सम्राट ने कहा कि बिहार में सभी वर्ग को आरक्षण दिया गया है। जातीय गणना कराकर नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया, इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिहार गरीब राज्य है, एससी एसटी आबादी बढ़ी, इस आधार पर आरक्षण बढ़ाया गया। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया था। जातीय जनगणना के बाद जो दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, तो और बिहार जैसे प्रदेश में सबको आरक्षण है। स्वर्ण समाज हो, गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, सबको आरक्षण। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे कि हमको आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार देने की कृपा करें। आपको बता दें कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट से झटका लगा। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी एसटी ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता गौरव कुमार और अन्य दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला 11 मार्च को सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। बिहार सरकार ने पिछले साल के अंत में बिहार विधानसभा के पटल पर राज्य के आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े रखे थे। सरकार ने यह भी बताया कि राज्य की सरकारी नौकरियों में किन वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। फिलहाल देश में 49% आरक्षण है। ओबीसी को 27%, एससी को 15 और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। हालांकि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहरा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा था। बिहार में भी पहले आरक्षण की सीमा 50% ही थी। अब देखना होगा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट आखिर इस मामले में कब जाती है। पटना से शशिभूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।